नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कुछ भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। यहाँ पर अगर ये आप टाइप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश में टाइप होता है, लेकिन अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ, एक विदाउट एप्लीकेशन की मदद से और दूसरा एप्लीकेशन की मदद से भी टाइप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपको हिंदी में टाइप करना है। पर मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ कि आप हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं अपने पीसी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसमें हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ पर मेरे विंडोज 11 है, यहाँ पर सबसे पहले मैं विदाउट सॉफ्टवेयर को बता देता किस तरह से आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टअप पर जाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। टाइम एंड लैंग्वेज पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने सेकंड नंबर पर लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर क्लिक कर देना है। देन ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे पहली बार तो यहाँ पर एक हिंदी का नहीं दिखेगा, तो इसको मैं सबसे पहले करूंगा डिलीट। आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का, जो कि डायरेक्टली हिंदी में इंग्लिश में ही टाइप होता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करने के लिए सबसे पहले ऐड ए लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड ए लैंग्वेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा हिंदी। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ हिंदी, हिंदी पर मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा नीचे, और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। यू आर अनलिमिटेड कनेक्शन एंड सम लैंग्वेज फीचर कैन नॉट बी डाउनलोडेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिनटेड कनेक्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने वाईफाई पे और यहाँ से मैं म्यूटेड कनेक्शन को करूँगा डिसेबल, क्योंकि मैंने म्यूटेड कनेक्शन को इनेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं जाता हूँ म्यूटेड कनेक्शन में, सबसे पहले म्यूटेड कनेक्शन एंड इसको मैं कर दिया टर्न ऑफ। अब यहाँ से मैं इसको बैक चले जाऊँगा और यहाँ से बैक जाने के बाद यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज पर जाऊँगा और यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन, और फिर से मैं जाऊँगा वहीं पर ऐड ए लैंग्वेज पर क्लिक करूँगा और इसको मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। अब फिर से आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच एंड हैंड राइटिंग दोनों आपको मिल जाता है, रिक्वायर लैंग्वेज फीचर दिख रहा है आपको, इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग होने स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आधे से ज्यादा डाउनलोड भी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कीवर्ड भी ऐड कर देना है, यहाँ पर स्टार्ट कीवर्ड दिख रहा है क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पर ऐड ए कीवर्ड पर और यहाँ पर आपको हिंदी फोनेटिक पर क्लिक कर देना है। हिंदी फोनेटिक एंड हिंदी देवनागरी को भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड ए कीवर्ड एंड हिंदी देवनागरी, इन दोनों को ऐड कर देना है। इसके बाद इसको जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह से आपको टाइप करना है मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली डाउनलोड हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करने के लिए मैं किस तरह से आपको लिखना है आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं अपना प्रिंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल से जाऊँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा प्रिंट, उसी में मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। पेंट, सॉरी पेंट बोलते हैं उसको, पेंट, पेंट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करके मैं आपको हिंदी में टाइप करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा अभी टेक्स्ट पर मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके टेक्स्ट पर यहाँ पर, और यहाँ से आपको जो इंग्लिश सीन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी सारा कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश से हिंदी में टाइप करना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हिंदी फोनेटिक पर क्लिक कर देना है, हिंदी फोनेटिक पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं देख सकते हो कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पर मैं लाइक यहाँ पर कुछ भी लिखने वाला हूँ। यहाँ पर अभी देखे तो मैं लिख रहा हूँ संगम लिखा, इसके बाद स्पेस जैसे इंटर करूंगा यहाँ पर मेरा हिंदी में पूरा का पूरा लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी लिखोगे आपका हिंदी में लिखाई देगा। यहाँ पर मैं देख सकते हो कुछ भी लिखता है, यहाँ पर लाइक यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा संगम टीच, यहाँ पर मैंने संगम एंड टीच, जैसे स्पेस इंटर करूंगा यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सजेस्ट भी कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यहीं पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद इस पर क्लिक करोगे हिंदी ट्रेडिशन,
हिंदी ट्रेडिशन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, एंड अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख के देखता हूँ यहाँ पर। अब जैसे हिंदी ट्रेडिशन में कुछ अलग से सिंबल दे रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर आपको हिंदी ट्रेडिशन को ना सिलेक्ट करके बल्कि हिंदी फोनेटिक को सिलेक्ट कर लेना। अब गाइस यहाँ पर सेकंड तरीका मैं आपको गूगल के थ्रू यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल से गूगल क्रोम पर जाना है, एंड देन गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल इनपुट टूल। यहाँ पर जैसे गूगल इनपुट टूल्स टाइप करोगे, यहाँ पर आपके सामने गूगल इनपुट टूल्स आ जाएगा। यहाँ पर पहले मैं आपको ट्राई इट आउट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्राई इट आउट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके मैं हिंदी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ हिंदी, और यहाँ पर कुछ भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पर डायरेक्टली हिंदी में ही आएगा, यहाँ पर जब देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा सॉफ्टॉनिक का, यहाँ पर देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर softonic.com, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, तो यहाँ से अगर आपका डाउनलोड हो जाता तो सही है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड दिख रहा है, तो यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड तरीका है आपको बैक आना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है गूगल इनपुट टूल्स, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपको जिप लिख देना है, जिप लिख करके एंटर कर देना है। जिप लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पर गूगल हिंदी इनपुट सेटअप .gip दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका डाउनलोड का सिंबल जो शो हो रहा है यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में चले जाता हूँ, और यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसकी फाइल में चले जाना है। और यहाँ पर जैसे आप इसमें जाओगे, और यहाँ पर आपको हिंदी वाले पर डबल टैप करके